फेमस बाइक राइडर और यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की गुज़श्ता कल एक भयानक सड़क हादसे में मौत हुई। और आपको बता दें कि ये सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब अगस्त्य चौहान अपनी बाइक चला रहा था और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, यानी 300 की स्पीड से वो अपनी बाइक चला रहा था। इसी दौरान एक डिवाइडर से इनकी बाइक टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि इनका हेलमेट भी बिखर गया और इन्हें जानलेवा जख्म आए। हालांकि एमरजेंसी सर्विस मुहैया होने के बावजूद भी वो इनकी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि जख्म इतने गहरे थे कि इनकी जान बचाना मुश्किल था। और आपको बता दें कि इस वक्त अगस्त्य चौहान के YouTube पर तकरीबन 12 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और ये आगरा से दिल्ली की ओर जा रहे थे जब ये सड़क हादसा पेश आया। यमुना एक्सप्रेसवे पर ये सड़क हादसा पेश आया। 25 साल इस अगस्त्य चौहान की उम्र बताई जा रही है और इसके बाद बहुत से बाइक राइडर्स में शदीद गम देखने को मिला। अगस्त्य चौहान की उम्र 25 साल थी और ये एक नौजवान थे, देहरादून के ये रहने वाले थे और सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। लेकिन जो ही बाइक राइडर्स को ये खबर मिली तो बाइक राइडर्स में भी शदीद गम देखने को मिला और ख़ासकर उनके जो चाहने वाले थे, जो उनकी YouTube फैमिली थी, उनमें भी शदीद गम देखने को मिला। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी बाइक एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते इनका कंट्रोल बाइक से खो गया और इनका हेलमेट भी बिखर गया। ये टक्कर इतनी गहरी थी, इतनी शदीद थी कि इन्हें जानलेवा जख्म आए। हालांकि एमरजेंसी सर्विस की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भी ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ बैठे। जो ही पुलिस तक ये खबर पहुंची, पुलिस तक ये इतला पहुंची, तो ज़िला अलीगढ़ की तप्पल पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पर आ पहुँची और इनकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में ले आ गया, जिसके बाद इन्हें कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीगढ़ के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस IPS काला निधि नेथानी का कहना है कि इस फेमस यूट्यूबर और बाइक राइडर की मौत एक भयानक सड़क हादसे में हुई। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इनके घर वालों को सौंप दी गई और अलीगढ़ पुलिस ने तमाम तर बाइक राइडर्स से ये गुजारिश की है कि इस तरह से बाइक ना चलाएं। जब भी आप राइड करने निकलते हैं तो आप मेहरबानी करके रेस ना लगाएं, स्पीड लिमिट का खास तौर पर जो है वो ध्यान रखें। और जम्मू कश्मीर के फेमस यूट्यूबर आमिर माजिद ने भी शदीद गम का इजहार किया जब उन्हें ये इत्तला मिली कि अगस्त्य चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। और हमारी भी तमाम तर बाइक राइडर्स के लिए जो है बाइक राइडर्स से ये गुजारिश रहेगी कि आप बाइक राइडिंग कीजिए, लेकिन आपके साथ एक पूरा परिवार आपका जुड़ा हुआ है, लिहाजा आप स्पीड का खास तौर पर ध्यान रखिए, रेस मत कीजिए, आराम से अपनी राइडिंग कीजिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलें, आप रेस लगाएं, आप सोशल मीडिया पर कंटेंट डालने के लिए अपनी स्पीड बढ़ाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि स्पीड कहते हैं, स्पीड इज़ नाइफ दैट कट्स लाइफ। या आपने सड़कों पर भी, जब आप कहीं सड़क पर निकलते हैं तो वहाँ पर भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, लिहाजा आप जब भी अपनी बाइक राइड करें तो आप स्पीड का खास ध्यान रखें और हेलमेट ज़रूर पहन कर रखें। क्योंकि अगस्त्य चौहान इनके 12 लाख YouTube पर सब्सक्राइबर्स थे, इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जो ही इनका रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद बाइक राइडर्स में भी काफ़ी गम की लहर देखने को मिली और साथ ही साथ उनके जितने भी चाहने वाले थे उनमें भी एक गम की लहर देखने को मिली। तो आप सोच ही सकते हैं कि उस फैमिली पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपना एक नौजवान बेटा खो दिया। लिहाजा बाइक राइडर्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि आमिर माजिद जैसे फेमस यूट्यूबर जम्मू और कश्मीर में है, उन्होंने भी कल अपने एक व्लॉग के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा गम का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने अगस्त्य चौहान के साथ एक बार राइडिंग भी की हुई थी, उन्होंने वो क्लिप्स भी अपने इस व्लॉग में शेयर की। लिहाजा आप
जब भी जितने भी राइडर्स हैं, आप जब भी राइडिंग के लिए निकलें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने घर वालों के बारे में सोचें, क्योंकि आपके साथ एक पूरा परिवार जुड़ा हुआ है जो घर पर आपका इंतज़ार कर रहा है। लिहाजा स्पीड या रेस बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, बहुत एहतियात से अपनी बाइक राइड करें।